सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि जब मशीन खराब हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे मोबाइल का खराब हो जाना, वॉशिंग मशीन खराब हो जाना, फ्रिज खराब हो जाना, कूलर खराब हो जाना। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा कि जब मशीन खराब हो जाए तो उसे बताने के लिए आप कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो कि मेरा कूलर खराब है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई कूलर इज आउट ऑफ ऑर्डर। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस के जगह पर यह भी कह सकते हैं माई कूलर इज नॉट वर्किंग। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से जो आपको आसान लगे आप उनमें से एक बोल सकते हैं, या तो आप कहें आउट ऑफ ऑर्डर या फिर आप कहें नॉट वर्किंग। अगर आपको कहना हो कि मेरा टेलीफोन खराब है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर या माई टेलीफोन इज नॉट वर्किंग, यानी मेरा टेलीफोन खराब है। अगर आपको कहना हो कि मेरी एसी खराब है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माई एसी इज आउट ऑफ ऑर्डर या माई एसी इज नॉट वर्किंग। मेरी कार खराब है, माई कार इज आउट ऑफ ऑर्डर या माई कार इज नॉट वर्किंग। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिला कि जब कभी भी आपको ये कहना हो कि कोई मशीन खराब है तो आप कहते हैं आउट ऑफ ऑर्डर। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि जब इंसान खराब हो तो उसके लिए क्या आउट ऑफ ऑर्डर बोलेंगे। मैं कहूंगा नहीं, अगर बात इंसान की करेंगे तो आप वर्ड बैड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे तुम्हारा भाई खराब है, योर ब्रदर इज बैड, तुम खराब हो, यू आर बैड। तो इंसानों के मामले में आप वर्ड बैड का इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां कहते हैं सुनो मेरा एक काम करोगे या सुनो यहाँ आओ, सुनो वहाँ जाओ। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा अगर आपको कहना हो सुनो मेरा एक काम करोगे तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लिसन डू मी अ फेवर, यानी सुनो मेरा एक काम करोगे। अगर आपको कहना सुनो वहाँ जाओ तो आप कहेंगे लिसन गो देयर, सुनो यहाँ बैठ जाओ तो आप कहेंगे लिसन सीट हियर। यहाँ मैं आपको बताऊं, एक व्यूअर ने पूछा है कि फेच क्या है, तो मैं आपसे कहूंगा कि वर्ड फेच का मतलब होता है जाकर लाना, यानी गो प्लस ब्रिंग, जाना और लेकर आना। अगर आपको कहना सुनो जाओ सब्जी लेकर आओ तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लिसन फेच वेजिटेबल। अगर आपको कहना हो कि सुनो जाओ दूध लेकर आओ तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लिसन फेच मिल्क, यानी जाओ दूध लेकर आओ। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस जहाँ आप कहते हैं सुनो या फिर आप कहते हैं जाओ लेकर आओ को कैसे बोलेंगे।